तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक, फ्लोरोसेंट लैम्प, जिसको हम ट्यूब लाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा डायग्राम है यहाँ ट्यूब लाइट का, इसको हम समझते हैं पहले तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने देखा होगा जो पुरानी ट्यूब लाइट्स होती थी, आजकल तो LED लाइट्स हम यूज़ करते हैं, बट पहले जो पुरानी ट्यूब लाइट्स होती थी काफ़ी थिक रॉड होती थी वो, ठीक है, वाइट कलर की होती थी हमारी। वाइट कलर की क्यों होती थी? क्योंकि यहाँ पर एक फॉस्फर कोटिंग होती थी, अभी हम समझेंगे किस लिए होती थी, ठीक है। ये बेसिक सा डायग्राम है जिसमें कि एक ट्यूब लाइट है, यहाँ पर हम देखते थे कि दो पिन जैसे कॉन्टैक्ट होते थे इस तरीके के, ठीक, इनको हम बाई पिन कहते हैं, ठीक। इन्हीं को डायरेक्टली हम जा करके ट्यूब लाइट के अपने केसिंग में लगाते थे और उसको घुमा करके उसको हम यूज़ करने लग जाते थे, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। ये यहाँ पर एल्युमिनियम कैप होती है, यहाँ पर दिखाया हुआ है एल्युमिनियम कैप होती है, दोनों साइड से हमारी होल्ड करके रखती है ट्यूब लाइट को, बीच में हमारी ग्लास बॉडी होती है और ये कुछ ऐसा सर्किट होता है जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर हमारे कैथोड्स होते हैं दोनों तरफ, जिससे कि हमारा इसको अच्छा हम इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मर्करी डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। मर्करी बेसिकली इसमें जो होता है आपका ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है और इसमें गैस इनसाइड जो इसके रहती है हमारे इसके अंदर भरी होती है वो होती है आर्गन और क्रिप्टन, ठीक है। तो आर्गन या फिर क्रिप्टन गैस या फिर इनके कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर भरे होते हैं, ठीक। अब ये बेसिक सा सर्किट होता है, यहाँ पर हमारा मेंस है, सप्लाई हमने दे दी घर की, सॉकेट में इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक। यहाँ पर एक चोक लगी होती है जिसको हम बैलास्ट कहते हैं, तो यहाँ पर एक चोक लगी होती है। चोक इज़ नथिंग बट एक हमारा इंडक्टिव कॉइल होती है जो कि वाउंड होती है ओवर अ कोर, आयरन कोर होता है, तो उसका ये डायग्राम दिखा रखा है, ठीक। एक स्टार्टर हम यूज़ करते हैं जो कि इस तरीके का देखने में होता है और उसकी हेल्प से ही हम देखते होंगे कि स्टार्टर जनरली हम चेंज कर देते हैं अगर ट्यूबलाइट नहीं जल रही होती है या फिर हमें ट्यूबलाइट ही बदलनी पड़ती है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। बेसिक सा ये सर्किट है, अब इस सर्किट की थोड़ी सी वर्किंग हम समझते हैं। यहाँ हमने मेन से कनेक्ट कर दिया, एक स्विच यहाँ पर लगा रखा है जिससे कि हम ऑपरेट करेंगे, ट्यूबलाइट को बंद या चालू करना है, ठीक, तो इस स्विच से करेंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पर इसको सप्लाई दी, इसमें कुछ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई, ये डायरेक्शन हो गई करंट की, आई विल यूज़ द डिफरेंट मार्कर फॉर इट, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गई हमारे करंट की और ये डायरेक्शन ऐसे हमें करंट मिलने लगी। अब हमें इंडक्टर की प्रॉपर्टी पता है कि इंडक्टर में कभी भी करंट का सडन चेंज इट डज़ नॉट अलाउ, ठीक है, करंट का सडन चेंज नहीं होता, यानी करंट बहुत स्लोली इसमें बढ़ रही होगी, सडन चेंज अचानक से एब्रप्ट चेंज यहाँ पर हमको करंट का नहीं देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि हो सकता है यहाँ पे करंट नहीं देखने को मिल रही है, मैग्नेटाइज हो रही है, फिर हमें कुछ वोल्टेज मिले, वो आगे हम समझते हैं। अब ये डायरेक्शन करंट की ऐसे हुई, अब ये यहाँ से बढ़ी, अभी क्या है कोई और सर्किट आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक। फिर ये यहाँ से होते हुए ये यहाँ से गई और ये करंट की डायरेक्शन यहाँ गई। अभी क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रिप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि ऐसे आपका होता है, ये एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप इज़ नथिंग बट एक स्ट्रिप होती है जो कि आपकी हीट की हेल्प से आपकी बेंड होकर के सर्किट को कंप्लीट करती है, तो एक ऐसा अरेंजमेंट होता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप का। तो यहाँ पर भी आपका क्योंकि कॉन्टैक्ट में नहीं है तो आपका कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही है, तो आपकी करंट का डायरेक्शन जो होगा फ्लो होने का ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर है तो करंट आपकी नहीं फ्लो हो रही होगी, तो इनिशियली ये चार्ज होता रहेगा, ठीक, ये इस वोल्टेज से चार्ज होता रहेगा, यानी कि आपके पैरेलल में मेंस के लगा हुआ है और इसका इसमें यहाँ पर वोल्टेज बिल्डिंग होगी, ठीक है, चार्ज एक्यूमुलेट होगा, वोल्टेज बिल्डिंग होगी। जब यहाँ पर इतना वोल्टेज आपका जनरेट हो जाएगा कि ये इसको आयनाइज कर पाए, तो ये वोल्टेज आपका इसके अक्रॉस होगा, किसके, बायमेटेलिक स्ट्रिप के आपके अक्रॉस ये वोल्टेज हो जाएगा आपका, ठीक। अब जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा तो इसमें नियॉन फिलिंग होती है, इसमें नियॉन भरा होता है, ठीक है। तो नियॉन जैसे ही इसके अंदर फिलिंग होती है तो नियॉन में आपका स्पार्किंग होती है, ठीक, आयोनाइजेशन होता है। तो जब आयोनाइजेशन पूरा हो जाता है उस केस में आप देखे होंगे कभी कभी पहले के स्टार्टर तो नॉर्मल होते थे, आजकल स्टार्टर में हल्का सा आपको लाइट भी देखने को मिलेगी, पहले भी होते थे बट वो वाइट होते थे इस वजह से हम लाइट नहीं देख पाते थे, आजकल के ट्रांसपेरेंट होते हैं तो उसमें एक छोटी सी लाइट जैसा हमको जलता हुआ महसूस होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आयोनाइज होकर के यहाँ पर आपको एक लाइट सी महसूस होगी और ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप गर्म होकर के आपस में कॉन्टैक्ट को फॉर्म कर लेगी। अब इस कैपेसिटर का रोल खत्म हो गया और ये बाईपास हो गया सर्किट, जैसे ये बाईपास हो गया आपका करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो गई। अब ये करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, उतनी देर में यहाँ पर LdIdt से आपका वोल्टेज यहाँ पर खूब मैक्सिमम वोल्टेज आपका काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर जनरेट हो गया, अब ये वोल्टेज डायरेक्टली इसके अक्रॉस पड़ा और इसके अक्रॉस पड़ा, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस अब इसके कंपैरिजन में आपका कम हो ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो कि काफ़ी कम रेजिस्टेंस था
जहाँ पे कि गैस भरी हुई थी, ये आयनाइज होना स्टार्ट हो गई। ठीक, जैसे ही आयनाइज हुई, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हैवी वोल्टेज है आपको चोक से मिला, तो चोक का काम बेसिकली होता है आपका वोल्टेज को जनरेट करना, तो जो LdIdt में वोल्टेज बहुत ज़्यादा आपको मिला, उसकी हेल्प से यहाँ पर डिस्चार्ज जो हुआ यहाँ पर आर्गन और क्रिप्टन गैस का, उसकी वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल सेट हुआ, एक लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ बना, और जिसकी वजह से आपका गैस यहाँ पर आयनाइज होना स्टार्ट हो गई। और जैसे ही गैस आयनाइज हो गई, आपको यहाँ पर फ्लोरोसेंट यानी कि आपको एक लाइट देखने को मिली, जिसको हम ट्यूबलाइट की रोशनी कहते हैं, जो हम जलाते हैं तो वाइट जनरली हमको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आर्गन और क्रिप्टन में आयनाइज होना स्टार्ट हुई, यहाँ पर आपकी फॉस्फर की कोटिंग होती है, जो कि हमने इनिशियली पढ़ा था। ठीक है, फॉस्फर की कोटिंग होती है जो कि वाइट कलर की कोटिंग होती है, तो जब यहाँ पे आयनाइजेशन होता है तो फॉस्फर की कोटिंग से रिफ्लेक्ट होकर के वो हमें वाइट कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, ये टोटल वर्किंग होगी आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब की या आपकी ट्यूबलाइट की। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है या थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, वैसे तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स में हमने पढ़ा दिया है, बट अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में देखना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जल्दी आपको करेंगे, या इसके ऊपर नया वीडियो भी हम बना करके और डिटेल्ड वीडियो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।